नमस्कार, बीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर का दौरा किया। इसके बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से लगाए गए स्मॉग टावर की प्राथमिक रिपोर्ट आज जारी की गई, जिसमें खुलासा हुआ है कि स्मॉग टावर 80% तक हवा को साफ कर रहा है। इस दौरान गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार ने स्मॉग टावर की क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए आज 16 सदस्यीय कमेटी गठित की है। स्मॉग टावर को लेकर गठित कमेटी 3-3 महीने के अंतराल पर कुल 3 रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके आधार पर सरकार दूसरी जगहों पर स्मॉग टावर लगाने का निर्णय लेगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कैनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर का दौरा किया। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन 23 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। उसके बाद इसका पायलट आधा पर ट्रायल कर रहे थे, अब इसका ट्रायल पूरा हो गया है। यह स्मॉग टावर आज से फुल क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है। इस स्मॉग टावर में लगभग 10,000 फिल्टर लगाए गए हैं, जो प्रदूषित हवा को साफ करते हैं। इसमें 40 पंखे लगाए गए हैं और 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र की हवा को साफ करते हैं। यह लगभग पर 1000 घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हवा को प्यूरिफाई करके वातावरण में छोड़ेगा, जिसे मॉनिटर करने के लिए कई सेंसर्स लगाए गए हैं। 23 अगस्त को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उसके बाद से हम इसको पायलट बेसिस पे इसका ट्रायल कर रहे थे और अब इसका ट्रायल कम्प्लीट हो गया है। आज से ये स्मॉग टावर फुल कैपेसिटी के साथ शुरू कर दिया गया है। ये जो स्मॉग टावर है, इस स्मॉग टावर में लगभग 1000 फिल्टर लगाए गए हैं, जो पोल्यूटेड एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ऊपर से पोल्यूटेड एयर को सक करके नीचे छोड़ते हैं। 40 पंखे लगाए गए हैं और वो 1 किलोमीटर की रेडियस के एरिए को ये प्यूरिफाई करता है। लगभग पर सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को ये प्यूरिफाई करके और वातावरण में छोड़ेगा। इसके लिए जो टेक्निक अपनाई जा रही है मॉनिटर करने के लिए, कि सेंसर्स लगाए गए, जो सेंसर्स ऊपर से हवा आती है पोल्यूटेड, वो भी दिखाते हैं कि कितना उसमें PM 2.5 है, कितना PM 10 है। दूसरे जो हवा प्यूरिफाई होकर निकलती है उसमें भी सेंसर लगाए गए हैं, जो ये बताते हैं कि कितना प्यूरिफाई होने के बाद क्या रहा। ये अभी सुबह से अभी तक का ये रिपोर्ट आया है। सुबह जो लगभग 8 बजे के आसपास 151 PM 2 का लेवल था, जो प्यूरिफाई होने के बाद 38 हो गया था। PM 10 166 था, 166 था, और वो प्यूरिफाई होकर के 41 हो गया था। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अभी 12:45 पर 60 जो है PM 2.5 था, वो 14 हो गया, और PM 10 की मात्रा 63 थी वो 15 हो गया। अगर हम देखें कि आज का जो रिपोर्ट है, फर्स्ट प्राइमरी रिपोर्ट, 80% जो है वो प्यूरिफाई कर रहा है, लेकिन आज के बाद से 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें 5 मेंबर DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के होंगे, जिसको लीड करेंगे डॉक्टर मोहन जॉर्ज। IIT बॉम्बे के 5 मेंबर टीम होगी, जिसको लीड करेंगे प्रोफेसर मनमोहन साहू जी, और 3 मेंबर्स NBCC के होंगे, जिनको लीड संजय गुप्ता जी करेंगे। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के 3 मेंबर होंगे, जिसको आशीष अग्रवाल जी लीड करेंगे। इस तरह से 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो आज से इसको क्लोज मॉनिटर करेगी, कंट्रोल रूम से लेकर के। हमने यहाँ पर एक ऊपर स्क्रीन लगाया है, जो लाइव बेसिस पे कोई भी आके देख सकता है कि इस समय क्या स्टेटस है। तो ये जो टीम बनाई गई है, 3 महीने के अंदर ये अपना प्राइमरी जो है ये रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे सरकार को, और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद सेकेंडरी आएगी, और फिर उसके बाद थर्ड। इन रिपोर्ट का एनालिसिस करके फिर सरकार निर्णय लेगी कि अन्य जगहों पर हमें कितने स्मॉग टावर को लगाने की जरूरत है और इसका क्या इम्पैक्ट। दिल्ली से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत भव्य आरती का आयोजन बरारी गंगा तट पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजीव भारती की अगुवाई में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कटिहार जिलाध्यक्ष श्री लखी प्रसाद महतो जी, अररिया सांसद माननीय प्रदीप सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय निखिल चौधरी जी, पूर्व एमएलसी माननीय राजवंशी सिंह जी, एमएलसी माननीय अशोक अग्रवाल जी, महामंत्री दिलीप वर्मा जी, उपाध्यक्ष बब्बन झा जी, जिला मंत्री शांति जायसवाल जी, सेमापुर और बरारी मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र राम जी और मनोरंजन पाल जी, कार्यक्रम मीडिया प्रभारी ललित चौधरी जी उपस्थित रहे। फिलहाल प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।